Hello everyone, welcome to Gate Academy and welcome to the series of most predictable questions that could be asked in 2023 by the IIT Kanpur. तो IIT Kanpur 2023 में क्वेश्चन सेट कर रहा है, सभी को पता है. लास्टली उसने कब सेट किया था? 2015 में. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2015 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके पैटर्न क्या है और किस पे गेट जो है IIT Kanpur जो है वो ज्यादातर फोकस करता है. ये हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि गेट किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है. गेट मींस IIT Kanpur जो गेट के पेपर को सेट कर रहा है, ठीक है ना. तो वो किस टॉपिक पे IIT Kanpur ज्यादा फोकस कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है, कहां से फ्रिक्वेंटली वो क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है समझना. और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उन सारे कॉन्सेप्ट को समझना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम कौन से ईयर का है? 2015. और 2015 में भी किसने सेट किया था? IIT Kanpur ने. तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड. आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन उसमें अगर कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में, तो वो सारे चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी सेशन में. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. अ लिंक हैज अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ दिस. लिंक का ट्रांसमिशन स्पीड मतलब लिंक पे कौन ट्रैवल करता है, सिग्नल ट्रैवल करता है. तो दिस इज द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ व्हाट? सिग्नल गिवन, ठीक है ना. सिग्नल का ये ट्रांसमिशन स्पीड है, ठीक है ना. इट यूजेस द डेटा पैकेट साइज ऑफ 1000 बाइट्स ईच. एज्यूम दैट द एक्नॉलेजमेंट हैज अ निग्लिजिबल ट्रांसमिशन डिले. एक्नॉलेजमेंट का जो ट्रांसमिशन डिले है वो कितना है? निग्लिजिबल है, मतलब ये आपको इग्नोर करना है, ठीक है. एंड दैट इट्स प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले. भाई इसका जो प्रोपागेशन डिले है वो सेम है किसके? डेटा प्रोपागेशन डिले के. तो भाई मेरे प्रोपागेशन डिले आप कैसे डिफाइन करते हो? द टाइम टेकन बाई अ सिंगल बिट टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. और अगर डेटा फ्रेम के लास्ट वाले बिट के बारे में अगर आप सोचो, तो लास्ट वाले बिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, उसी टाइम पे उस फ्रेम का सारा डेटा क्या होगा? डिलीवर हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा. और इसीलिए ये टर्म यूज किया गया है, ठीक है ना. ये टर्म यूज किया गया है, प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायग्राम्स आपको समझाऊंगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले, ठीक है ना. इसका मीनिंग क्या है समझना. ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोसेसिंग डिले एट द नोड्स आर नेग्लिजिबल. द एफिशियंसी ऑफ द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इन दिस सेटअप इज 25%. देन द वैल्यू ऑफ वन वे प्रोपागेशन डिले, ठीक है ना. तो पूरे चीजों को समझते हैं. सी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में ये क्या है? चैनल है, या आप इसको लिंक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम कैसे करता है. ये सेंडर है और ये रिसीवर है. सेंडर और रिसीवर के बीच का ये जो लिंक है इसको हम लोग चैनल भी बोलते हैं या इसको हम लोग लिंक भी बोलते हैं, ठीक है. तो सी सेंडर के पास एक पर्टिकुलर फ्रेम है, एक पर्टिकुलर फ्रेम है, और इस फ्रेम का साइज कितना है भाई? एल बिट्स है. जस्ट इमेजिन एल बिट्स है, ठीक है, एल बिट्स है. और सेंडर का जो ट्रांसमिशन रेट है वो कितना है? RBPS है. कितना है? RBPS है, बिट पर सेकेंड. ट्रांसमिशन रेट आपको पता होना चाहिए क्या है, इन सभी का मीनिंग समझिए. सपोज सेंडर का जो फ्रेम का साइज है वो 100 बिट्स है और ट्रांसमिशन रेट है 10 बिट्स पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है? जो सेंडर है एक सेकेंड में लिंक पे कितना बिट ड्रॉप करेगा? 10 बिट्स. तो 100 बिट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कैसे करोगे? अगर एल का साइज 100 बिट्स है और ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन रेट है 10 बिट्स पर सेकेंड, तो 100 बिट को ट्रांसमिट करने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड ही लगेगा ना. ये बेसिक सा लॉजिक है. एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सिंगल फ्रेम को लिंक पे ड्रॉप करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम, ठीक है ना. तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम. तो मेरे दोस्त अगर फ्रेम का लेंथ पता है
और सेंडर का ट्रांसमिशन रेट पता है, तो ये फ्रेम टी इक्वल टू जीरो टाइम पे कहां पर था? बफर में था। किसके बफर में? सेंडर के बफर में। बफर मींस मेमोरी। तो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे ये फ्रेम सेंडर के बफर में था, तो कितने टाइम के बाद ये लिंक पे ड्रॉप हो जाएगा? कितने टाइम के बाद ये लिंक पे ड्रॉप हो जाएगा? दिस टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज टीएफ। दिस टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज टीएफ। तो यहां पर मेरे दोस्त टीएफ क्या है? तो टीएफ है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम किसका? ऑफ सिंगल फ्रेम। ऑफ सिंगल फ्रेम, ठीक है, सिंगल फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम है। और ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो दिस इज द एल अपॉन आर। यस और नो? ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो सिंपली एल अपॉन आर, फ्रेम का लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो देखिए, इतने टाइम के बाद, टीएफ टाइम के बाद ये फ्रेम जो है ये चैनल पे ड्रॉप हो गया, लिंक पे ड्रॉप हो गया है। और जब कभी भी फ्रेम लिंक पे ड्रॉप होगा वो सिग्नल का फॉर्म ले लेगा। भाई जैसे ही बिट्स बफर से निकल कर करके मीडियम पे आएगा वो सिग्नल के फॉर्म में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और सिग्नल ऑलवेज लाइट के वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। लाइट के वेलोसिटी से क्या करता है? ट्रैवल करता है। तो जस्ट थिंक अबाउट द लास्ट बिट ऑफ फ्रेम। ऑफ कोर्स इस फ्रेम में बहुत सारे बिट्स हैं, बहुत सारे बिट्स हैं जो क्या है, फ्रेम के अंदर का डेटा है, जो क्या है, फ्रेम के अंदर का डेटा है। तो इन सारे बिट्स में से हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं? लास्ट बिट को। तो लास्ट बिट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टीपी। टीपी का मतलब क्या हो गया? प्रोपागेशन डिले। तो प्रोपागेशन डिले को आप कैसे डिफाइन करोगे? टाइम टेकन बाय अ सिंगल बिट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक सिंगल बिट के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है। तो मेरे दोस्त अगर लास्ट वाला बिट यहां पहुंच गया तो बचा हुआ सारा बिट भी पहुंच जाएगा। यस और नो? लास्ट वाला बिट अगर यहां पहुंच गया है तो बचा हुआ जितने भी डेटा बिट्स था वो सभी रीच कर जाएंगे। और यही यहां पर सेंटेंस का मीनिंग था। क्या मीनिंग दिया हुआ है? द प्रोपागेशन डिले इज सेम एज द डेटा प्रोपागेशन डिले, ठीक है ना। तो सिंगल बिट जब यहां से यहां पहुंच रहा है जिसको हम लोग प्रोपागेशन डिले बोलते हैं, तो उतने ही टाइम में पूरा का पूरा डेटा यहां से यहां क्या हुआ है? पहुंच गया है। यस और नो? तो प्रोपागेशन डिले जो है वो सेम है किसके? डेटा प्रोपागेशन डिले के, ठीक है ना। तो ये फ्रेम जैसे ही यहां पर पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करना चाहेगा? सेंडर को इसके इसके रिसीविंग का एक्नॉलेजमेंट देना चाहेगा। भाई जब कभी भी हम लोग किसी भी पार्सल को रिसीव करते हैं तो उसको एक्नॉलेज करते हैं ना। तो आज के डेट में डिजिटल एक्नॉलेजमेंट हो गया है, पहले के डेट में एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर सेंड किया जाता था, ठीक है ना। तो वो चाहेगा इसको एक्नॉलेज करे। अब सपोज मेरे पास लाइक एक ही सोर्स से तो पार्सल नहीं आ रहा है, मैं अमेजोन से भी मंगवा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से भी मंगवा रहा हूँ और कहीं और से भी मंगवा रहा हूँ, तो सभी का अलग अलग एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा ना। क्यों? क्योंकि सभी में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो रिसीविंग फ्रेम के थ्रू एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को क्रिएट करना ये तभी पॉसिबल है जब रिसीविंग फ्रेम पे आप क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे। इस पे क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे। तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टी ऑफ प्रोसेसिंग। तो जब तक जो रिसीविंग फ्रेम है वहां पर हम लोग सोर्स के एड्रेस को रीड नहीं करेंगे तब तक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम क्या क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको रिसीविंग फ्रेम को रीड करना पड़ेगा टू क्रिएट द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। रीडिंग सच थिंग्स एंड क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। वी आर डूइंग द प्रोसेसिंग ऑन द एक्चुअल फ्रेम एंड देन वी आर क्रिएटिंग अ एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम। कुछ ना कुछ तो टाइम इन्वॉल्व होगा, भले ही वो बहुत कम हो लेकिन इन्वॉल्व तो होगा ही। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या कैसा फ्रेम है भाई? एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है। तो अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर इस एक्नॉलेजमेंट फ्रेम को सबसे पहले लिंक पे ड्रॉप करेगा, सबसे पहले लिंक पे ड्रॉप करेगा जिसमें टाइम कितना लगने वाला है? टी ऑफ एसी के, टी ऑफ एसी के। और जैसे ये लिंक पे ड्रॉप होगा ये जो है इस फ्रेम का लास्ट बिट है, तो इस बिट को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा, अगेन दिस इज द टीपी। तो एक्नॉलेजमेंट यहां तक आ गया। तो यहां पर टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हुआ था और इतने टाइम पे ठीक है ना, ये जो है फ्रेम ये सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा और ये पूरा हमारा क्या है? टाइमलाइन है। तो मेरे दोस्त यहां पर टोटल टाइम क्या इन्वॉल्व हो रहा है? तो सी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टोटल टाइम।
टोटल टाइम क्या है, तो टी एफ प्लस टी पी एंड देन प्लस टी ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन टी ऑफ ए सी के एंड अगेन टी पी. दिस इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेंडर टू डिलीवर अ सिंगल फ्रेम सक्सेसफुली. ठीक है ना, तो इसको आप मॉडिफाई वे में कैसे लिखोगे, तो टी एफ, यहाँ पर टी पी जो है वो दो बार अपीयर हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, टू टी पी एंड प्लस टी ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्लस टी ऑफ एसी के. ठीक है, तो टोटल टाइम मुझे पता चल गया. तो यहाँ से हम लोग चैनल यूटिलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना, ईटा क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग द चैनल यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन किस केस में, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. स्टॉप एंड वेट, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, सेंड अ सिंगल फ्रेम, स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट. इसीलिए इस प्रोटोकॉल को बोला जाता है स्टॉप एंड वेट. ठीक है ना, तो एक सिंगल फ्रेम को सेंड किया गया और सेंडर रुक गया, कब तक, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा. जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगा वो नेक्स्ट फ्रेम को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा. तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में चैनल यूटिलाइजेशन कितना आएगा भाई, तो एक सिंगल फ्रेम को डिलीवर करने में टोटल टाइम ये लगा है और इतने टाइम में कितना फ्रेम डिलीवर हुआ है, एक फ्रेम, और उस फ्रेम का टाइम कितना है, टीएफ. ठीक है ना, तो आउट ऑफ टोटल टाइम दैट इज द टीएफ प्लस 2TP प्लस टी ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्लस टी ऑफ एसीके. सो आउट ऑफ दिस टोटल टाइम ओनली वन फ्रेम हुज ट्रांसमिशन टाइम इज टीएफ हैज बीन डिलीवर्ड. सो दिस वन विल बिकम द चैनल यूटिलाइजेशन. आसान में आ रहा है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर सपोज इस वाले क्वेश्चन में तो अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो प्रोसेसिंग टाइम एंड एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम दोनों नेग्लिजिबल गिवन है. लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन गेट पूछ रहा है जहां पर लाइक प्रोसेसिंग टाइम भी गिवन है और एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम भी गिवन है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. इज दैट क्लियर. अब इसी लाइक फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सी, इफ प्रोसेसिंग टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मींस यू हैव टू कंसीडर नेग्लिजिबल, एंड टी ऑफ ए सी के एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम भी क्या है, नेग्लिजिबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना, ये दोनों नेग्लिजिबल है, तो इन दिस सिचुएशन चैनल यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, तो टी एफ अपॉन टी एफ प्लस. दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन. तो अगर चैनल यूटिलाइजेशन पता चल गया तो थ्रूपुट भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना. थ्रूपुट जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव डेटा रेट. ठीक है ना, थ्रूपुट जिसको इफेक्टिव डेटा रेट आर ऑफ ई से इंडिकेट करेंगे. देखिए आर से हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं, R से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डेटा रेट को. R का मतलब क्या होता है, R इंडिकेटिंग द डेटा रेट. डेटा रेट और डेटा रेट कैसे डिफाइन होता है, BPS के फॉर्म में, बिट पर सेकंड के फॉर्म में. और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इफेक्टिव को. बात समझ में आ रहा है, तो R का मतलब हो गया डेटा रेट, E का मतलब हो गया इफेक्टिव. तो सिंपली इसको क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डेटा रेट, थ्रूपुट. अदर वर्ड्स वी कैन से द थ्रूपुट ऑल्सो. तो थ्रूपुट को आप कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम. तो मेरे दोस्त स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में सेंडर जो है वो कितने बिट को ट्रांसमिट कर रहा है टोटल, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के केस में सेंडर जो है वो टोटल एल बिट को ट्रांसमिट कर रहा है, आउट ऑफ हाउ मच टाइम, टोटल टाइम किसने, तो टोटल टाइम कितना है भाई, तो टी एफ प्लस टू टी पी. ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कब, जब टी ऑफ प्रोसेसिंग टेंडिंग टू जीरो है और टी ऑफ ए सी के भी टेंडिंग टू जीरो है. ठीक है ना, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं. तो थ्रूपुट हमारा क्या होगा, L डिवाइडेड बाय दिस. तो टोटल L नंबर ऑफ बिट्स द सेंडर इज ट्रांसमिटिंग आउट ऑफ द टोटल टाइम टी एफ प्लस टू टी पी. यस ऑर नो, हो जाएगा. चलिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. देखिए L को अगर हम लोग R से डिवाइड कर रहे हैं तो R से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कुछ चेंजेस आएगा, नहीं आएगा. एंड दिस वन इज द टी एफ प्लस टू टी पी. ठीक है ना, L by R ये क्या है, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन. तो इसको क्या लिखेंगे, सॉरी दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम. सो टी एफ अपॉन टी एफ प्लस टू टी पी इन टू आर. और आपको अच्छे से पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन.
सो फाइनली यू कैन राइट आर इफेक्टिव इज इक्वल टू चैनल यूटिलाइजेशन इन टू आर, यस ऑर नो, यस ऑर नो। तो यहां पर देखना, मुझे पता है कि चैनल यूटिलाइजेशन वेरी करता है 0 to 1 के बीच में। तो समझना, अगर चैनल यूटिलाइजेशन 100% है, ये क्या है, दिस इज द इफेक्टिव बैंडविड्थ, या इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेटा रेट, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डेटा रेट। ये क्या है, एक्चुअल डेटा रेट है, बात समझ में आ रहा है, दिस इज द एक्चुअल डेटा रेट एंड दिस इज द इफेक्टिव डेटा रेट, ठीक है ना, इफेक्टिव डेटा रेट। अब ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि इसको इफेक्टिव डेटा रेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अफेक्टेड ड्यू टू द चैनल यूटिलाइजेशन। तो चैनल यूटिलाइजेशन जैसे जैसे वेरी करेगा, ये भी वेरी करता रहेगा। तो अगर चैनल यूटिलाइजेशन 100% है, तो इफेक्टिव डेटा रेट विल बिकम इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल डेटा रेट, और अगर चैनल यूटिलाइजेशन 50% है, तो इफेक्टिव डेटा रेट आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, आर बाई टू हो जाएगा। देखिए, यूटिलाइजेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इफेक्टिव डेटा रेट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड। सो फाइनली फाइनली हाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला, जो इफेक्टिव डेटा रेट या जो बैंडविड्थ है वो कैसे लिखोगे आप, एल डिवाइडेड बाई टी एफ प्लस 2TP, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, चैनल यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट इन टू आर, यस ऑर नो। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, चैनल यूटिलाइजेशन के बारे में पूछा जाए या लाइक थ्रूपुट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, यू विल बी प्रिपेयर्ड टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द न्यूमेरिकल्स, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है। और यहां पर कहीं पर भी ऐसा भी नहीं है कि कोई भी डेरिवेशन आपको याद करना है, एवरीथिंग यू कैन डिराइव इफ यू हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग यू कैन डिराइव, ठीक है। तो नोइंग ऑल दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है भाई मेरे, हमें यहां पर एल का साइज गिवेन है, फ्रेम का साइज गिवेन है, ठीक है ना, दिस इज द फ्रेम साइज, दिस इज द फ्रेम साइज, ओके। द लिंक ट्रांसमिशन स्पीड, द लिंक has a transmission speed of this bit per second, ठीक है ना, transmission speed। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो this is nothing but R given, R given, transmission speed, भाई भाई node का transmission speed, node का transmission speed किस में मेजर होगा, bit per second में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक second में जो node है वो कितने bit transmit कर रहा है, 10^6 bit को transmit कर रहा है, so this is nothing but the bandwidth। तो देखिए, कभी कभी हम लोग ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, या बैंडविड्थ बोलते हैं, मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम। आप इसको ट्रांसमिशन स्पीड बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, बैंडविड्थ बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस आपको यहां पर डायमेंशन देखना है, क्या दिया हुआ है, बिट पर सेकेंड, मीन्स ये आपका क्या है, डेटा रेट है या बैंडविड्थ है, ठीक है ना। तो चलिए, आर का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टी एफ इज इक्वल टू एल अपॉन आर, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000, किस में है भाई, बाइट्स में, बाइट्स डिवाइडेड बाय 10^ व्हाट, 6 बिट्स पर सेकंड। तो यहां पर ये 30 से ये 3 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, बाइट, बाइट को बिट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट डिवाइडेड बाय, दिस इज द 10^3, ये किस में आ रहा है, बिट पर सेकेंड में। तो ये बिट बिट कैंसिल, क्या लिखोगे, 8 × 10^-3 सेकेंड, सो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 मिली सेकेंड। मुझे पता है 10^-3 इक्वल टू क्या होता है, मिली सेकेंड होता है। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम इज 8 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चैनल यूटिलाइजेशन। भाई हमें पता है स्टॉप एंड वेट के केस में, स्टॉप एंड वेट के केस में चैनल यूटिलाइजेशन क्या होता है भाई, स्टॉप एंड वेट के केस में चैनल यूटिलाइजेशन हमारा होता है, ठीक है ना, टी एफ अपॉन टी एफ प्लस 2TP, लाइक सॉरी, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन, दिस इज द चैनल यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ, इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। भाई चैनल यूटिलाइजेशन पता है, टी एफ पता है, तो टीपी पता कर सकते हैं ना, टीपी पता कर सकते हैं। यहाँ पर चैनल यूटिलाइजेशन कितना दिया हुआ है, 25% इज इक्वल टू टी एफ, टी एफ का वैल्यू कितना है, 8 डिवाइडेड बाई, दिस वन इज 8 प्लस 2TP, सो दिस इम्प्लाइज 1/4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2TP,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2 टी पी इज इक्वल टू 32. सो दिस इम्प्लाइज टी पी इज इक्वल टू 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12. किस में आएगा भाई? तो मिली सेकेंड. किस में आएगा? मिली सेकेंड में. और आंसर भी आपसे किस में पूछा जा रहा है? दे आर आस्किंग द आंसर इन इन मिली सेकेंड. इन मिली सेकेंड. तो यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा. तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अब इसी क्वेश्चन में वेरिएशंस क्या हो सकते हैं देखना. इसी क्वेश्चन में वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? सी इफ इसी क्वेश्चन में वेरिएशंस हो सकते हैं. इसी क्वेश्चन में सपोज हमें वेरिएशन बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, ठीक है ना? एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, व्हाट इज थ्रूपुट. थ्रूपुट क्या होगा? तो मुझे पता है कि थ्रूपुट दैट इज द इफेक्टिव जो डेटा रेट है वो क्या होता है, ईटा इंटू आर. ईटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25% इंटू आर. आर का वैल्यू कितना है, 10^6 बिट्स पर सेकेंड. तो बिट्स पर सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बीपीएस के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो दिस इंप्लाइज 1/4 इंटू इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1000 इंटू 10^3 bps, yes or no? So finally how you can write, 250. 10^3 का मतलब क्या होता है, k. तो ये हो जाएगा kbps and this one will become your right answer, yes or no? ठीक है ना. तो अगर kbps में आंसर पूछा जा रहा है तो आप ये आंसर कर दोगे. अदरवाइज 1/2, ठीक है ना, 1/2 1/4, ठीक है ना, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग फॉर्म में. 10^6 का मतलब क्या होता है, m, ठीक है ना. तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 mbps. mbps तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 mbps. आसान में आ रहा है, 0.25 mbps. सो इधर यू कैन राइट द आंसर इन दिस फॉर्म. That depends upon किस फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछा जा रहा है, या KBPS के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना. तो थ्रूपुट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, एक चैनल का यूटिलाइजेशन और दूसरा करंट बैंडविड्थ. या इसी प्रॉब्लम को आप अब दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई. इफेक्टिव जो बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, एल अपॉन टी एफ प्लस 2 टी पी. नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ ऑल द पैरामीटर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. अगर आप यहां पर L, TF, TP सभी का वैल्यू भी फिड करते हैं तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि TP भी तो कैलकुलेट किया गया है ना, इसी डेटा से TP कैलकुलेट किया गया है. तो आप उसको पुट करेंगे तो यू विल अचीव द सेम आंसर. तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन था 2015 सेट बाय आईआईटी कानपुर, ठीक है ना, रिलेटेड विद द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. तो देखिए फ्लो कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जहां से चाहे कोई भी पेपर सेट करे, चाहे ये आईआईटी कानपुर हो या दिल्ली हो या कोई भी हो, ठीक है ना, हर एक आईआईटी फ्लो कंट्रोल पे एक क्वेश्चन जरूर अराइज करता है हर साल. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली 90% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है. तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. एंड अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा एंड अपने कमेंट्स को डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर्ड करता है और उनको एक सही राह दिखाता है. और अगर आप न्यू यूजर हैं हमारे गेट अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, और सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन Never forget to subscribe the channel. Okay? So bye, Jai Hind. See you soon in the next session with new problem and new concept. Bye.